हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और श्री हरि नाम, श्री राधा नाम की मस्ती में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श करना या तुलसी जी को तोड़ना मना क्यों है। तो ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन होती हैं, तो उनके ध्यान में कोई बाधा ना आए, इसलिए तुलसी जी को एकादशी और रविवार के दिन तोड़ना की मनाही है। तो फिर सवाल यह आता है कि फिर इन दो दिनों में भगवान को भोग कैसे लगाया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए भी विधान है। इसके लिए यह विधान है कि यदि रविवार और एकादशी के दिन अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो तुलसी पत्र की बजाय आप तुलसी माला का यूज़ कर सकते हैं भगवान के भोग लगाने के लिए। और यदि ऐसा नहीं, अगर आपके पास तुलसी माला नहीं है, तो आप जो तुलसी के गिरे हुए पत्ते होते हैं, गमलों में जो गिर जाते हैं पत्ते, उन पत्तों का यूज़ करके आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। और अगर तुलसी पत्र नहीं है, गिरे हुए तुलसी पत्र भी उपलब्ध नहीं है, तो आपको मैं ये राय दूंगी कि आप तुलसी जी की सूखी लकड़ियों को पहले से ही स्टोर करके रख लें। तो आप उन तुलसी जी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, उनका यूज़ करके भी अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।